देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। समझ ले भैया, मनीष कश्यप शेर आ गया। ये देखिए, एहसास हुआ कि जिस भाई का हम विरोध किए थे हम गलत थे। नहीं नहीं, गलत कैसे हाली भैया, ये तो काम या फिर दिन कितना शुरू हुई। तो बाबू हम तो कहे तो कुर्सी की पेटी फिर से बांध ले, कहा वजन कहा वाला हो, है ना। तो हमारा का नाम है कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो मेरा वोट जरूर उनको रहे, क्योंकि ना तो नेता का बेटा है ना अनंत। अगर समीर चौधरी का मूड सनक लो तो आम आदमी जनता पे खड़ा हो गए लियो, तो हम तो सबसे पहले भैया जितना अमीर हो सबके गरीब बना देबो। हाँ, जादू 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 कुछ नहीं, सबके यहाँ इनकम टैक्स छापा मरावेगा। हाँ, सबके धन नोच नोच के गरीब में बांट दिया जाएगा। तो अमीर हो गलो गरीब, गरीब हो जे तो अमीर। तो भैया वोट उठ दे पर तो सीएम बनाना है उनको। बनाओगे ना? क्या बोल रहे हैं? सीएम बनाना है लगी। ये आप बोल रहे हैं कि सीएम बनाना? अरे भाई हम ही ना बोली थी, जितना जनता है ना पूरे के भंगेरिया अंगड़िया लंगड़िया पंगड़िया जो जो चोड़ के जाना सब पे समीर चौधरी ने ऐसे ऐसे करके पूरा दम हम भैया चाशनी चुआ दिए उन लोग पे। समीर चौधरी हमेशा गलत का विरोध करता है, मनीष कश्यप से कोई जाति व्यक्तिगत पर्सनली दुश्मनी ना ले। हाँ, आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से अब वो बिहार यानी पटना बिहार जिले में शिफ्ट हुए हैं। लोगों में काफ़ी खुशी है। आज उनके सबसे बड़े विरोधी समीर चौधरी आज सबसे बड़े प्रशंसक बन गए हैं। उनके ऊपर गाना निकाल के ला रहे हैं और मिठाइयाँ भी खूब बांटी और खूब खाया। क्या बात है सर, कैसे पलटी एकदम अचानक से? सबसे पहले हम तमाम दर्शक के नमस्कार आदाब सत श्री अकाल करेंगे जी। भाई ये भी नया नया तो अभी न हो रही है कि समीर चौधरी आई। समीर चौधरी पहले ही बोला था कि भाषा का विरोध हमने किया, गाना भी उस समय भी बनाए थे शायद। आज आप गाना नहीं सुने हैं क्या? सुने थे ना? तब बस सुनबे किए तब बोले वाला बात की है। समीर चौधरी हमेशा गलत का विरोध करता है, मनीष कश्यप से कोई जाति व्यक्तिगत पर्सनली दुश्मनी ना ले। हाँ, आप जब मनीष कश्यप को कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो आप वहाँ मौजूद थे, आपने खूब मिठाइयाँ खाया और खूब बांटे, रसगुल्ला का रस चुआते हुए नजर आए। नहीं तो रसगुल्ला का रस तो चू रहा था वो विरोधियन के भंगेरिया अंगड़िया लंगड़िया पंगड़िया जो जो चोड़ के जाना सब पे समीर चौधरी ने ऐसे ऐसे करके पूरा दम हम भैया चाशनी चुआ दिए उन लोग पे। लेकिन थोड़ा सा हम भावुक भी हो गए थे वहाँ पे, भावुक होने के कारण कि उनकी माँ जिस प्रकार और मनीष कश्यप भैया जिस प्रकार रो रहे थे नहीं लग रहा था। मनीष कश्यप भैया बोल रहे हैं तो कहा पहले कुछ कहा लिखा, पहले क्या बोलते थे हम? पहले क्या बोलते थे? बोलते थे बताबो, विरोध करते थे। अरे भाई मेरे इलाव पैसा वैसा लेके लो भैया। सारा इतना बड़का बड़का मीडिया आर मीडिया पुजारी कौन कौन अयोध्या ये सब आके तो ना कोई कल के भाई। हमने ना तो पहले मनीष कश्यप के माई बहन के गाड़ी दिए हैं, कभी नहीं दिया, नहीं ना दिए, क्योंकि हमारा कहना है कि उनके भाषा का जो विरोध था ना समीर चौधरी वही किया था। है तो उम्र में बड़े ना भैया हमरा से, अब भैया कर लिए तो गलती कर दिलियो का, तोरा प्रणाम कर रही हो गलती कर दिलियो तो का कही जनता। हाँ तो हमारा कहना है कि विरोध होता है भाषा का, और जब रो रहे थे तो तमाम लोगों को शर्म करना चाहिए कि जो अभी भी उनका विरोध कर रहे हैं। भाई सजा तो मिल गई ना उनका, अब का चाहा है भैया कि फांसी चढ़वा दिए। मान लीजिए कि भाई चोरी करको चोरी करके तो एक दो चार फैंट बज गए तो एक बात एक छोड़ देवे के चाहिए ना, आपका फैंट बजा के जान से मारने का बात है? नहीं ना ऐसा होता है, हो गया गलती जो किया गलती का सजा मिल गया भैया। एक सवाल, आपने कहा कि उनके भाषा का हम विरोध करते थे, तो क्या आगे अगर वो ऐसा भाषा करते हुए रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या विरोध होगा कि फिर भी समर्थक मनीष भैया कह के समर्थन होगा? नहीं नहीं, तो आप तो कम उम्मीद हो कि भैया वो रिपोर्टिंग करते ना, आपको तो भैया वोट उठ दे पर तो सीएम बनाना है उनको। बनाओगे ना? क्या बोल रहे हैं? सीएम बनाना है लगी। ये आप बोल रहे हैं कि सीएम बनाना है? अरे भाई हम ही नहीं बोली थी, जितना जनता है ना पूछ लो जनता से, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि समीर चौधरी सत्य बोल रहा है कि नहीं। ये लगे कि जनता का ही आवाज़ है कि साला बड़ा बड़ा नेता यहाँ पूरी बूंदिया बोलावे तो गांधी मैदान में भीड़ न लगाओ, यहाँ फीड़ी में भीड़ लग गए। हाँ नेता 500 रुपया लगा के यहाँ मीडिया बोलाता है, कॉन्फ्रेंस रखता है, एगो बालों नहीं उखड़ता ओकरा से, आइए एगो आम आदमी देखिए कहाँ से का कर दिया। अच्छा आप भावुक क्यों हो गए थे जब मनीष कश्यप रोने लगे, तो आप भावुक क्यों हुए उस जगह पे? भाई आप भी रोने लगोगे तो हम भावुक हो जाएंगे, क्योंकि आपका दर्द ना झलक रहा है। काहे मेरा भाई रो रहा है, हमको भाई अगर तुम रोगे तो हमको लगेगा कि मेरा भाई को तकलीफ है तब तो रो रहा है। बस यही कारण है, थोड़ा सा हमने बिहार से आवाइए ना तो बिहार के लोग कहीं भावुक जल्दी हो जाए। तो जैसे रो रहे थे, जैसे देख रहे होंगे कि वीडियो के माध्यम से पुलिस वाले के कंधा पे रख के, तो हमारा अंदर से लग रहा था यार कि देखो यार, एहसास हुआ कि जिस भाई का हम विरोध किए थे हम गलत थे। नहीं नहीं, गलत कैसे हाली भैया, ये तो काम मियाँ घूम फिर के देख कहाँ जाए। तो भाई भाषा का विरोध हमने किया, लेकिन जब उनको सजा मिल गया तब हमको लगा कि नहीं भाई अब इनका समर्थन करना चाहिए। हम बेतिया ही पहुंचने वाले थे, लेकिन हम दिल्ली गए हुए थे मोदी जी को लेटर देने के लिए। अच्छा। बीजेपी कार्यालय में
हाँ बोलने वाली बात नहीं है, तमाम लोगों को पता है कि समीर चौधरी 6 दिन पहले से दिल्ली में अगोरिया दे रहा। अगोरिया काहे दे रहा भैया, तो कभी बेगूसराय में हमारे बच्ची छोटी बच्ची के बलात्कार कर ले, अब मोदी जी के कहना हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ उल्टे हो गई तो बेटी के साथ बलात्कार कर मजा उठाओ और धरती में गरबाओ, यही ना हो रहा था। इसको लेके समीर चौधरी वहाँ पे पहुँचा बीजेपी कार्यालय, वहाँ जाके हमने लेटर दिया, हम दिखा देते हैं, वो बोले वाला बात समीर चौधरी ना करे दिखावे वाला करे। देखिए कैमरा जूम कीजिए, 31 जुलाई का है, समीर चौधरी फिर से दिल्ली जा रहे हैं मोदी जी बीजेपी सराय छोटी बच्ची कश्यप को इंसाफ दिलवाने के लिए। तो हम वहाँ जाके लिख लुआ मोदी जी हमारे बिहार में ऐसे ऐसे घटना हुई था, जो हमारा भाई लोग जो अधिकार के लिए लड़ता है एक के बोले का अधिकार नहीं दिया जा रहा, चूतर सोंट देता है पुलिस चाहे NSA लगा देता है। बच्ची लोग जहाँ भैया बेटी का सम्मान होता है बिहार संस्कार संस्कृति, वहाँ पर बेटी के साथ बलात्कार हो रहा। तो ये सब हम दब थोड़ा लिख दिए थे बढ़िया से, तनि भावुक होके अब लगो ओकरे सुन उनके काम मोदी जी भेज दिल को ओकर लगा कि परसों चौठारो तो आ गए थे वो बेतिया में, ओके बाद बिहार आ गए। मैंने सुना है कि आपने मनीष कश्यप के सपोर्ट में गाना भी बनाया है, क्या गाना बनाया है, क्या कुछ गा रहे हैं आजकल? वो तो शुरू दिन ही जिस दिन हम पहुंचे थे टना टन सीरीज के माध्यम से वो गाना आने वाला है, सुबह 6 बजे 7 बजे आ जाएगा वो, है ना। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, अब भैया शेर तो अभी कर लो है पूरा गाना थोड़ा सा और गाइए ना, तो गनवा गा दू तो तू तो फ्लस ना करा दी बाबा, कल आप आता रहते हैं आर्मी किडनैप हो जाए, रिलीज होने के बाद चोरी हो जाता है मेरे भाई, रिलीज होने के बाद ये वीडियो रिलीज करेंगे, रिलीज होने के बाद कीजिएगा। कैसे हले गनवा हो, अभी तो गैबे कर ले, अभी तो नहीं यादों नहीं है, एक दो बार आओ अभी, यही हवा मेन टाइटल हवा, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया, ये टाइटल है, हाँ गरीबों का मसीहा है, एक बार सब कोई बोल दें खाली शेर आएगा, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया, समझ ले भैया मनीष कश्यप शेर आ गया। ये देखिए ये समीर चौधरी है जो कभी मनीष कश्यप के खिलाफ बोला करते थे, पर आज उनके कट्टर समर्थक के तौर पर सामने आ रहे हैं। नहीं तो बात कारण है, पहले भी हम बोले और आज भी बोल रहे हैं, विरोध अगर भाई भी आज भाषा का प्रयोग गलत करेगा, किसी महिला का सम्मान नहीं करेगा, किसी मुसलमान को गाड़ी देगा समीर चौधरी टेल देगा, और टेल देगा तो भैया फिर निकलवे ना बाबू, एगो गेलो तो एकरा पे NSA लग गेल, लेकिन खुदा न खास्ते भगवान आशीर्वाद और जनता के प्यार से निकल गेल तुम, न तो विरोध जो होता ना आदमी गलत का ही करता, सही का कोई विरोध किया गांधी जी के विरोध कोई करेगा आए तो पगले होगा जो यही सब करेगा। तो हमारा कहना है कि अच्छे लोगों का समर्थन सब करता है और भाषा और जो गलत लोग होते हैं उसका विरोध सब करता है। समीर चौधरी नेक्स्ट टाइम क्या अब मनीष कश्यप को चुनाव लड़वाएंगे, आपने कहा कि वोट देगा सारे लोग अब नहीं तो चुनाव हम हमारे बाबू का सत्ता में बैठे लेकिन हम टिकट दिलवा दे भाई, अरे 180 दिन कितना शुरू हुई तो बाबू हम तो कहे तो कुर्सी की पेटी फिर से बांध ले कहा बजने कहा वाला हो, है ना। तो हमारा कहना है कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो मेरा वोट जरूर उनको रहेगा, क्योंकि ना तो नेता का बेटा है ना वो पहले से नेता थे, अब भैया जो नेता होगा नेता का मनसा ना जानेगा कि वोट लेने के बाद क्या चाहता है, जमीन चाहिए कि जोरू चाहिए कि क्या चाहिए। हाँ लेकिन मनीष कश्यप को ये पता है कि बिहार को एक भविष्य देना है तो शायद वो व्यक्ति दे देगा। अच्छा आप भी मनीष कश्यप को CM के तौर पर एक विधायक एक सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हाँ एक बार तो जरूर चाहिए कि एक आम आदमी को या तो मनीष भैया को आप लोग चुनिए, अन्य अगर समीर चौधरी का मूड सनक लो तो आम आदमी जनता पे खड़ा हो गई हो तो हम तो सबसे पहले भैया जितना अमीर हो सबके गरीब बना देबो। हाँ जादू 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 कुछ नहीं, सबके यहाँ इनकम टैक्स छापा मरावेगा, हाँ सबके धन नोच नोच के गरीब में बांट दिया जाएगा, तो अमीर हो गए लो गरीब गरीब हो जाए तो अमीर, जितना फरारी है जितना BMW चल रहा है ना सबके साला टैक्सी में ला देंगे बिहार में, हाँ साला बिहार को दुबई दिखा देंगे, तो होना चाहिए ऐसे भाई। और तमाम लोगों को सबसे पहले तो 10-10 किलो अनाज हर महीने फ्री, दम यहाँ बिजली बिल फ्री, मतलब अरे भैया बनो ऐसा जो केजरीवाल को देखिए, आए दिल्ली ऐसे महानगर कहलाव है, दिल्ली में 200 यूनिट के बिजली बिल नहीं लेवा है तब वहाँ का जनता खुश हवा। तो जनता को चाहिए भैया का तो रिलीफ के मैंने कहा दारू और मेहरारू न यही सब चाहिए भैया। अच्छा मनीष कश्यप का एक समर्थन है, उनके समर्थकों के लिए क्या कहिएगा, जिस तरह से उनके समर्थक लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप, स्वर्ण और बिहार मनीष कश्यप, क्या कहिएगा उनके लिए? बस हम देखना चाहते हैं कि तमाम भाई लोग टना टन सीरीज के गनवा के कितना समर्थन करे, गनवा सुनिए बहुत बिजोर गाना है भाई लोग, देखो देखो कौन आया शेर आया जय हिंद। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ समीर चौधरी जो पहले मनीष कश्यप के कट्टर विरोधी माने जाते थे, परंतु अब जैसे नीतीश कुमार पलटी मारते हैं इसी तरह पलटी मार कर समर्थन में उतर चुके हैं और समर्थन में इस तरह उतरे हैं कि उनके ऊपर गाना ला रहे हैं, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया। गाना डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर लिंक क्लिक कीजिए और गाना को बहुत सारा प्यार दीजिए मनीष कश्यप के सपोर्टर है तो। अगर मनीष कश्यप को पसंद नहीं करते हैं तो फिर भी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे। मैं था आप सभी का भाई तेजा, जय हिंद जय बिहार।